डे टू असाइनमेंट में हम लोगों ने बस इतना किया था कि ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने चढ़ा लिया था स्टॉक का। अब हम लोग को ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करनी थी, तो आज से हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ने वाले। पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 फॉर द रुपीज 30,000 एंड ऑल्सो क्लियर द आउटस्टैंडिंग रेंट। दो चीज़ें दे रहे हैं हम, एक तो ऑफिस रेंट दे रहे हैं मार्च का, यानी ये भी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग रेंट तो दे ही रहे हैं। ऑल्सो क्लियर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 2nd April 2000 बाई HSBC चेक। एलोकेट रेंट 20,000 रुपीज फॉर मुंबई ब्रांच एंड 10,000 फॉर कोलकाता ब्रांच रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी यूज करना पड़ेगा, और पेमेंट तो एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो कंपनी मैंने ओपन कर रखी है, उनके बैलेंस शीट बराबर हो रखा है। मैं एक बार बैलेंस शीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, सो बैलेंस शीट इज इक्वल, दोनों तरफ का बैलेंस शीट हमारा क्या है, इक्वल है। आपको यहाँ पे नीचे टोटल नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम लोग वर्टिकल देख सकते हैं। बैलेंस शीट स्टॉक, जी हाँ, यस, ये यस कर लिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 4,20,000, नीचे भी 4,20,000, 44,20,000, तो ये कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर हम लोग आते हैं किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स एंड ऑप्शन, अकाउंट, यहाँ होता है कॉस्ट सेंटर, एंड यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। ठीक है ना, ये सब कुछ एक्टिवेट करना है। अब इसके अंदर तो कॉस्ट सेंटर हमने एक्टिवेट कर लिया। अब उसमें कुछ स्पेसिफिक है, जस्ट लाइक कैरी क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कैरी क्लोजिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये सब चीज़ें करना है क्या। अफेक्ट कॉस्ट सेंटर ऑफ नॉन अकाउंटिंग वाउचर, ये सब फिलहाल इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। हम लोग सीधे ओके करते हैं। तो हमने कॉस्ट सेंटर हम लोग ने यहाँ से यस कर लिया फीचर से। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। अब जब जाएंगे ना अकाउंट मास्टर में, तो यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर के भी आइटम पूछेंगे। कॉस्ट सेंटर देखो यहाँ पे अकाउंट ग्रुप के नीचे देखो कॉस्ट सेंटर आने लगा। तो कॉस्ट सेंटर हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाना है। कॉस्ट सेंटर ग्रुप में क्या रहेगा, ब्रांच प्राइमरी ग्रुप है, जी हाँ प्राइमरी ग्रुप है, सेव करेंगे। अब इसमें ब्रांच कौन कौन सी है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें तो एक मुंबई ब्रांच है और एक कोलकाता ब्रांच है। तो हम लोग लिख देते हैं मुंबई, ठीक है ना। पेरेंट ग्रुप पर क्या रहेगा, ब्रांच। यहाँ पे अंडर की जगह पे पेरेंट ग्रुप होता है, बस ये ध्यान रखना। टैली में अंडर हुआ करता था, या पेरेंट ग्रुप। तो मैंने मुंबई बनाया, देन क्या था, कोलकाता। दैट्स इट, हो गया सेव। तो हमने मुंबई और कोलकाता बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को एंट्री करनी है, ट्रांजैक्शन करना है, वो भी किसका, पेमेंट का। अब जब पेमेंट करने हैं ना, तो पेमेंट करने से जैसे हम पेमेंट करने जाएंगे, मेन हो गया कब पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, 2nd अप्रैल को। डेबिट क्या कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है, हम दो चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ पेमेंट कर रहा है, फिर ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड ऑल्सो, अच्छा उसी चीज़ को दो बार क्यों लिखा है, पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20, ऑल्सो क्लियर द आउटस्टैंडिंग रेंट। मार्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अप्रैल होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो मैं ठीक कर रहा हूँ। अप्रैल का तो रेंट दे ही रहे 30,000, और आउटस्टैंडिंग था वो भी हम पे कर रहे हैं। और जो देखिएगा कितना दे रहे हैं हम लोग, 20,000 फॉर मुंबई ब्रांच एंड 10,000 फॉर कोलकाता। तो चलिए पहले तो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले पेमेंट किया जाए। आउटस्टैंडिंग रेंट था कितना, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस देखिए यहाँ नीचे दिखा था, करंट बैलेंस नॉर्मली हम लोग को टैली में उसके जस्ट नीचे दिखता था, बट यहाँ दिख रहा है। तो 20,000 रुपीज यहाँ पे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट करता हूँ फिर से रेंट को। यार रेंट का देखिए लेजर बना है कि नहीं बना है, ऑफिस रेंट का बना हुआ है, एक्सपेंसेस का। ये कितना दे रहा है इस चूंकि अप्रैल से रेंट हो गया 30,000 रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, HSBC को 50,000। चेक नंबर अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो चेक नंबर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, 6 डिजिट का होता है चेक नंबर, कंट्रोल भी आ गया चेक नंबर, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, ठीक है, विद आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F2 से सेव करेंगे। सेव करते ही कॉस्ट सेंटर पूछेगा। अब कॉस्ट सेंटर में अमाउंट कोलकाता में डालेंगे, कितना रुपया। अब जरा ध्यान रखना, ये जो कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है किस चीज़ का, खर्चे का, ऑफिस रेंट का, ऑफिस रेंट का पूछ रहा है, आउटस्टैंडिंग का नहीं। आउटस्टैंडिंग तो जब आपने रेंट की एंट्री किया हो तभी चढ़ा दिया होगा। खर्चे में एलोकेट करते हैं, लाइबिलिटी को एलोकेट नहीं करते हैं। खर्चा, आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी एंड रेंट इज अ एक्सपेंस। सो यहाँ पे 20,000 रुपीज ये हो गया। नहीं सॉरी, कोलकाता के लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितना है। 20,000 फॉर मुंबई है, 10,000 फॉर कोलकाता है। तो 10,000 और कोलकाता और मुंबई के लिए 20,000, दैट्स इट। ये एलोकेशन हो गया। यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ नरेशन लिखना चाहते हो, इनके बारे में भी लिख सकते हो, बट कुछ लिखना नहीं है। सेव दिस वाउचर, ये वाउचर एंट्री हो गई। अब आप बैलेंस शीट अगर आप जाके देखोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म भी हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आउट करंट लायबिलिटी में था वो खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, सो अब जो देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस देख ले आप। खर्चा तो दिख रहा होगा ना पीएल में, तो यहाँ पे हम लोग एक बार पीएल भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस में यहाँ दिखने लगा 30,000 रुपीज, ऑफिस रेंट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर अगर तुम देखना चाहते हो क्या चीज है, अब देखो यहाँ पे और लेवल जैसे यस किया, यहाँ पे इसके नीचे ऑफिस रेंट भी दिखने लगा। चलिए, तो ये हम लोग ने पहले एंट्री किया, कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट किया पहले। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ पे यस करेंगे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके फीचर एंड ऑप्शन में जा करके अकाउंट में जाके यहाँ कॉस्ट सेंटर आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो देखिए, क्लियर द बिल नंबर CB दिस वन ऑफ चंद्र ब्रदर्स थ्रू द HDFC बैंक। वही HSBC वाले से फिर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम लोग का एक ही बैंक में अकाउंट था ना, HSBC में। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट की एंट्री है, डेबिट करेंगे चंद्र ब्रदर्स को। ये क्रेडिटर है हमारा। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि सामने दिखा दे रहा है डेटर है, क्रेडिटर है। चंद्र ब्रदर कितना बैलेंस, 50,000 रुपीज, 50,000 तो एडजस्टमेंट हो गया। कौन सा रेफरेंस, ये बॉक्स खुल रहा है। अच्छा नहीं, पूरा नहीं पेमेंट हो रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है, 789 का पेमेंट हो रहा है। 789 का पेमेंट का अमाउंट है 20,000। मैं यहाँ पहले अमाउंट सही कर दूँ, 20,000। एडजस्टमेंट 789, 20,000 का पेमेंट एडजस्टमेंट हो गया। पिक फुल रेफरेंस अमाउंट और एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट कर ही दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिखा भी रहा चंद्र ब्रदर्स का ये जो बिल है ना, यहाँ वाउचर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। अब क्रेडिट में क्या हुआ, HSBC बैंक हो गया। अब यहाँ पे चेक नंबर डाल दीजिए। आप चाहो तो ये पूरा HSBC, अगर कई बैंक होते तो मैं ये पूरा नरेशन में लिखता, कॉपी करता, बट एक ही बैंक है तो इसलिए हम लोग को पता है जो भी चेक काट रहे हैं हम लोग एक ही बैंक का चेक है। बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, बस सीधे सीधे F2। क्लियर हो गया। अगला एंट्री क्या है? रिसीव अ डिविडेंड ऑन NSC ऑफ कैनरा बैंक इतना एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। चलिए एक और चीज है, बार बार हमें नरेशन यूज करना पड़ा तो हम लोग स्टैंडर्ड नरेशन भी यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। मास्टर में जाइएगा, स्टैंडर्ड नरेशन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहली चीज तो हम लोग किसके लिए बनाएंगे? पेमेंट के लिए पहले बना लेते हैं। पेमेंट के लिए बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टी, पार्टी को पेमेंट करने का एक नरेशन बना देता हूँ, एक और नरेशन बना देता हूँ। एक्सपेंस ठीक है ना, अमाउंट पेड, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं। और एक और बना लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पेमेंट मेड। इस तरह से मैं कई नरेशन पेमेंट वाउचर में बना दिया, रिसिप्ट में भी बना देता हूँ। The amount received from party या फिर the amount received, इस तरह से मैंने रिसिप्ट में भी बना लिया। चलिए स्टैंडर्ड नरेशन अब कैसे पिक करेंगे उसको ये देखेंगे। अब चलिए वाउचर करते हैं। रिसीव अ डिविडेंड, डिविडेंड मिल रहा है ऑन NSC 1 लाख रुपीज इन चेक ऑफ कैनरा बैंक, कैनरा बैंक के चेक से मिल रहा है एंड डिपॉजिटेड टू सेम इन द HSBC बैंक फोर्थ को। और शिट, एक चीज गड़बड़ी होगी, मैंने थर्ड एंट्री का डेट गलत डाल दिया। तो थर्ड एंट्री का डेट गलत सही डाल दिया तो उसको सही कर लेते पहले। अकाउंट्स बुक में जाके, डे बुक में जाके ये चंद्र ब्रदर वाला 4 तारीख को पेमेंट होगा, 4/4 F2 से सेव। चलिए अब सही हो गया। अब एंट्री करते हैं रिसिप्ट में। एंट्री 4/4 को ही होगी, 4/4 को हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रेडिट पूछ रहा है क्या होगा। डिविडेंड ऑन NSC हमें मिल रहा है तो डिविडेंड की इनकम, डिविडेंड बना हुआ नहीं बना हुआ है तो F3 से क्रिएट कर लीजिएगा यहीं पे बैठे बैठे। डिविडेंड ऑन NSC ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, एलोकेट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर दिखाना नहीं हमें, कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है यहाँ, कॉस्ट सेंटर एलोकेट नहीं करना है। F2 से सेव। अब डिविडेंड ऑन NSC क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख। ठीक है ना, और डेबिट हो जाएगा क्या हमारा? HSBC बैंक। कौन से बैंक का चेक है? कैनरा। तो मैं ये पूरा उठा रहा हूँ। ठीक है, अब नरेशन में क्या करना है? नरेशन में हमें ब्रिंग करना तो F4 दबाएंगे। F4 दबाएंगे तो रिसिप्ट में 2 तरह के नरेशन है, बिंग अमाउंट रिसीव, बिंग रिसीव फ्रॉम पार्टी। तो बिंग अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, इनकम रिसीव लिखना चाहिए। चलो ठीक चलेगा, आगे फटाक से। अब F2 से सेव कर लीजिए। बहुत ही आसान है इसमें एंट्रीज पास करना। अब देखते हैं आगे। 20,000 विड्रॉ फ्रॉम HSBC फॉर ऑफिस यूज ऑन 5th अप्रैल। तो कॉन्ट्रा के लिए भी कुछ नरेशन बना लिया जाए। तो कॉन्ट्रा के लिए क्या क्या नरेशन हो सकते हैं चलिए देखते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक कर सकता है। दी अमाउंट कैश डिपॉजिटेड बैंक। बस इतना बैंक कैश डिपॉजिट, बैंक कैश विथड्रॉ। अब क्या करना है? कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा में एंट्री करने के लिए हम कॉन्ट्रा पे जाएंगे। ऐड करेंगे, देखिए कितना निकाल रहा है, डेट क्या है 5th अप्रैल को 20,000 विदड्रॉ कर रहा है, 5th अप्रैल विदड्रॉ कर रहे तो डेबिट होगा कैश 20,000 रुपीज, ठीक है ना। कहाँ से निकल रहा है, HSBC बैंक से। HSBC बैंक का तो करंट बैलेंस नीचे दिख रहा है 12,30,000 रुपए, और कैश पे क्लिक करोगे तो कैश का बैलेंस दिखा रहा है क्या 70,000 रुपीज में कैश है। HSBC पे चेक काट रहे हैं हम लोग अपने बैंक का, तभी तो कोई पैसा निकलेगा। चेक से पैसा निकाल रहे हैं, कंट्रोल भी यहाँ पे F4 करिए, नरेशन ब्रिंग कर लीजिए, बैंक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। बस F2 करके सेव, नरेशन भी लिखना नहीं पड़ा। एक बार स्टैंडर्ड नरेशन सेट करिए, उसके बाद इसको एंजॉय करिए। अगला क्या है, रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम डेफोडिल ट्रेडर एंड डिपॉजिटर सेम एज टू HDFC बैंक। ये रिसिप्ट की एंट्री है, 7th अप्रैल को रिसीव हो रही है, ठीक है। बिल नंबर इसने का 201 का 20,000 का पेमेंट आ रहा है। अब यहीं से अगर सपोज करो हम लोग कंट्रा बाहर निकल के फिर उसमें जाने से अच्छा क्यों ना यहीं पे सिलेक्ट कर लेते तो यहाँ देखो लिखा हुआ है शॉर्टकट ऐड रिसिप्ट। इसके लिए क्या होगा, Alt F6 करेंगे, हम लोग रिसिप्ट वाउचर में स्विच कर जाएंगे। यहाँ पे कौन सी डेट में एंट्री करनी है, 5th अप्रैल को। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, डेफोडिल ट्रेडर। अब इसका बैलेंस देखो 30,000 है, लेकिन अभी 20,000 रुपीज ही आ रहा है। एडजस्टमेंट कौन सा बिल रेफरेंस है, ये 20,000 वाला 201 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए डेफोडिल के बाद फिर क्या होगा, HSBC बैंक में पैसा आ रहा है। किस बैंक का चेक सामने वाले ने दिया है, सामने वाले ने चेक दिया है SCB बैंक का होगा, कोई बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे भी नरेशन ब्रिंग कर लेते हैं, बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी, हो गया सेव। तो ये भी हम लोग ने एंट्री कर लिया, 7th अप्रैल को था। शिट, डेट क्यों गलत हो रहा है आज हमसे, चलिए होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अकाउंट्स बुक, डे बुक, ये एंट्री थी 7 तारीख को, सॉरी ये वाली एंट्री डेफोडिल वाला 7th अप्रैल। F2 से सेव, चलिए अब आते हैं किस पे, एंट्री पे वापस। अब सैलरी ड्यू फॉर टू द स्टाफ 10,000 फॉर द मंथ ऑफ March 14, ठीक है, ऑन 8th अप्रैल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सैलरी ड्यू करना है 10,000, सैलरी ड्यू कर रहे हैं 10,000। तो ड्यू की एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग, ड्यू की एंट्री सब लोग को पता है क्या होती है। पहला तो जर्नल में एंट्री होगी, कब हो रहा है, डेट 8 तारीख को हो रहा है, 8 अप्रैल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डेट सॉरी डेबिट क्या होगा, सैलरी डेबिट, सैलरी का अकाउंट बना हुआ है, सैलरी कितने से 10,000, क्रेडिट हो जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं बनाया तो F3 करके बना लीजिए, स्टैंडिंग सैलरी, ओके। ये क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना नहीं, F2 से सेव, 10,000 हो गया। Paying salary for the month of March, ठीक है, F2 से सेव। कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना है नहीं, ओके करिए, सेव दिस वाउचर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। अगला क्या, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ये तो हो गया सॉरी, पेड 80% ऑफ बिल नंबर जो दे रखा है आपका टू चंद्र ब्रदर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू द चेक ऑफ दिस वन। तो हमको क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम 80% का पेमेंट कर रहे हैं चंद्र ब्रदर्स को, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू, 80% टू चंद्र ब्रदर्स इन फुल फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, और 80% दे करके हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो बाकी का डिस्काउंट हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए Alt F5 भी दबा सकते थे हम लोग। डेट क्या है, डेट देख लीजिए, डेट है आपका 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल चंद्र ब्रदर्स, क्या स्पेलिंग है भाई, CHA, चंद्र ब्रदर्स, कितना है बैलेंस है, करंट बैलेंस 30,000 दिखा रहा है, लेकिन पूरा 30,000 बैलेंस नहीं है, पेमेंट है सिर्फ कितना 80,000, 8 × 24 24,000 पेमेंट हम कर रहे हैं, नहीं पेमेंट पूरा हो रहा है, ध्यान रहे 30,000 का पूरा पेमेंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट है ना, इस डिफरेंस जी हाँ यही बिल है, बस रेट करेंगे HSBC बैंक, लेकिन पेमेंट हम सिर्फ 24,000 कर रहे हैं, 80%। अब अगर सपोज के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना होता तो आप F10 दबाते हैं, F10 से यहाँ कैलकुलेटर होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक 30,000 है मल्टीप्लाई बाई कितना 80%, आगे 24,000, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, इंटर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किस चेक से, अपने HSBC बैंक के ही चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर यहाँ पेमेंट Ctrl B कर दिया, सॉरी, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, उसे सेव, आगे डिस्काउंट रिसीव 6,000, कोर्स से नरेशन ब्रिंग कर लीजिए, बिंग अमाउंट पेड टू पार्टी, हालांकि इन फुल सेटलमेंट भी लिखा हो ही गया फुल सेटलमेंट। अब चलिए देखते हैं आप, ये तो एंट्री हो गई 10 तारीख को, मैंने 12 तारीख का, 12 तारीख वाली दूसरी एंट्री है, फिर सही करना पड़ेगा डेट, ये जो एंट्री है ये 10 तारीख को करनी थी, ठीक है, हम लोग आते हैं अगली एंट्री करने 12 तारीख को, ये वाली एंट्री रिसिप्ट की एंट्री है, इससे मिल रहा है डेफोडिल से, डेफोडिल का कितना है 10,000 रुपये, अब इससे को है कितना 8,000 मिल रहा है बाई चेक, SCB फ्रॉम डेफोडिल इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट सेव इन टू HSBC बैंक, 80% इसका ही मिल रहा है भैया, 8,000 रुपये आ रहा होगा, लेकिन 8,000 से नहीं करेंगे हम, पूरा इसका फाइनल सेटलमेंट है ना, उसमें पूरा 10,000 लिखना ताकि पूरा बिल एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो गया पूरा बिल, लेकिन डेबिट में HSBC बैंक में पैसा कितना आ रहा है, 8,000 ही आ रहा है, 8,000 ही आ रहा है, वो भी किस बैंक से आ रहा है, ये चेक नंबर है, डेबिट में हो जाएगा क्या। अब डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, यहाँ डिस्काउंट अलाउड के नाम से बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, F2 से सेव 2,000, नरेशन लिख देंगे, F4 से नरेशन ब्रेक कर लीजिए, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी, अब F2 करके सेव हो गया, ये भी एंट्री सेव। अब कह रहे ट्रांसफर एक्सिस बैंक टू एचएसबीसी बैंक, हम लोग पास एक्सिस बैंक भी था क्या जी? के बैंक अकाउंट में अच्छा दो बैंक थे, एचएसबीसी हम लोग को हर जगह नाम लिखा लेना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक्सिस बैंक से हम लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? 27,000। 27 को आपको पता है एंट्री किधर होगी? एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। अप्रैल HSBC में जा रहा है पैसा। कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? 1 लाख। एक्सिस बैंक से अब इसका कोई नरेशन हमने नहीं लिखा है। पेइंग अमाउंट ट्रांसफर सेव हो गया। अगला क्या है? विड्रॉ 40,000 फ्रॉम HSBC फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर। ठीक है, एस 28। अब कह रहे हैं क्या 40,000 रुपये विड्रॉ ओनर निकाल रहा है बैंक से। ये तो सिंपल सा क्या है, पेमेंट है, ड्राइंग में जाएगा। डेट क्या है? 28 अप्रैल। ड्राइंग का एक बार लेजर पहले चेक कर लिया कि ड्राइंग का है बना, नहीं बना है, नहीं बना है तो F3 करके बना लीजिए। ड्राइंग क्या हो जाएगा? अंडर कैपिटल अकाउंट, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। F2 से सेव करिए। ड्राइंग कितना कर रहा है बंदा? ड्राइंग कर रहा है 40,000। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? HSBC बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है। चेक नंबर अच्छा दे रखा है। नरेशन ब्रिंग कर लीजिए, यहाँ तो बैंक ऐसे लिख, शॉर्ट नरेशन ऐसे भी लिख सकते, बीइंग ड्राइंग मेड। दैट्स इट, कंप्लीट। अब ये सब करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कह रहा है देखने के लिए। चलिए ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ये ट्रायल बैलेंस पूरा दिखा रहा है, इसमें खर्चे, इनकम, सैलरी सब दिखा रखा है, ऑफिस रेंट भी दिख रहा है। ठीक है, सारे अमाउंट। और क्या चाहिए? कैश बुक कह रहा है, सिंगल कॉलम देखिए। डिस्प्ले अकाउंट बुक में जाइए। ठीक है, कैश बुक देख लीजिए, सिंगल कॉलम। एक मिनट, हाँ सिंगल कॉलम कह रहा है देखने के लिए, सिंगल कॉलम में देखते हैं। किसका देखना है? कैश बुक पहले देखते हैं। कैश क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है 20,000। और 1 अप्रैल से कितने तक का क्या देखते हैं? HSBC देखते हैं। HSBC में रिसिप्ट हुआ है, इतना पेमेंट हुआ है। ये सब नीचे टोटल अमाउंट है, दिख नहीं रहा है, वो बात की बात है, इसको थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कॉलम देख सकते हो। नो कॉलम हैव बीन डिफाइंड इन दिस रिपोर्ट, काइंडली डिफाइन द कॉलम फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन। कॉलम जाके कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। कैश और बैंक बुक यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अकाउंट 1 क्या रहेगा? कैश देखना है। अकाउंट 2 क्या रहेगा? HSBC देखना है। थर्ड क्या रहेगा? एक्सिस बैंक का देखना है। सेव। अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन स्पेसिफाइड। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब क्या जाएंगे? डिस्प्ले अकाउंट बुक, कैश बुक, मल्टीपल कॉलम आ गया। शॉर्ट नरेशन यस। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैश का रिसिप्ट पेमेंट है, HSBC का रिसिप्ट पेमेंट है, एक्सिस बैंक का रिसिप्ट पेमेंट है, एक साथ सब दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल कॉलम कैश बुक, है ना। सबसे अच्छा मैं तो कहता हूँ फाइनल रिपोर्ट देखा करो, प्रॉफिट एंड लॉस पहले चेक कर लो, सब लोग आपस में मिला लिया करो, तो सही रहना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देख लो ये सब खर्चे हुए 64,000 इतना ये हुआ है, फाइनली नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 64,000 का, ठीक है। अब क्या है, इनकम ज़्यादा हुई है ना, 1,06,000 रुपये, यहाँ 64,000 रुपये खर्चा हुआ है, सॉरी 42,000 रुपये खर्चा हुआ है। अब क्या है, बैलेंस शीट जो देखिए, बैलेंस शीट में भी अमाउंट रिफ्लेक्ट में ड्राइंग माइनस में आता ही है। क्रेडिटर हमारे काफ़ी कम हुए, डेटर क्रेडिटर में देखो बस अब यही रह गया एक पार्टी, डेटर में भी एक ही पार्टी रह गया वो दास एंड सन्स, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी है बस, बाकी आउटस्टैंडिंग रेंट हट गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा डे 2,